संगवारी मन ला जय जोहार। आज मन बनाने वाला हन बुहार भाजी, ता आप मन गर्ली कॉर्नर देखते रहो। बुहार भाजी को हम बुहार फूल भी कहते हैं। बुहार फूल को बनाया जाता है दही, मही, जो भी खट्टी चीज़ें होती है उनके साथ, इमली के साथ बनाई जाती है। तो आज हम इसे इमली के साथ बनाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में हमने बताया कि सबसे अधिक हरी भाजी होती है और सबसे महंगी जो भाजी है वो है बुहार भाजी। अगर आप राजधानी में चले जाएंगे तो 150 रुपए किलो में मिलती है बुहार भाजी। गांव में तो ये आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन जो बड़े बड़े जिले हैं वहाँ पर ये आपको काफ़ी महंगी मिलती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है बुहार भाजी में, और इसका स्वाद तो अच्छे अच्छों को मात दे देता है, तो इसीलिए ये काफ़ी महंगी होती है। बुहार भाजी को हम बुहार फूल भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये बुहार फूल नहीं है, ये फूल की कलियां हैं। बाद में अगर इसे नहीं तोड़ा जाता जल्दी से तो इसमें फूल आ जाते हैं और बाद में फल भी आ जाते हैं, जिसका अचार डाला जाता है। जैसा कि हमने पहले भी बता दिया था कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रकार की भाजियाँ होती हैं और 36 प्रकार की जो भाजी हैं वो यूज़ किए जाती हैं, खाई जाती हैं। तो हमें जो भाजी हैं उनको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, जो कि कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। शायद इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस कम है। और ये सब तो हम जानते ही हैं कि भाजी खाने से क्या क्या लाभ होते हैं। इसमें होते हैं विटामिन, प्रोटीन और कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं। भाजी खाने से हमारे शरीर में खून भी बढ़ता है, जैसा कि भूपेश सरकार ने लागू किया है कि जिनका खून 5 ग्राम से कम है, जिन महिलाओं का खून, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में भाजी खिलाई जाएगी। तो ये इसका साक्षात उदाहरण है कि भाजी खाने से खून बढ़ता है। कोरोना वायरस के चलते सब्जियों को मार्केट से लाते ही हमने नमक पानी से पहले उसे अच्छे से धो लिया है, उसके बाद उसे साफ़ पानी से धो लिया है। अब हमें भाजी को तोड़ना है, तो भाजियों को तोड़ने के लिए हमें उसके पत्ती की डंडियों को अलग कर लेंगे और इसके जो बर्ड्स हैं, कली हैं, फूल हैं, उसकी डंडियों को भी अलग करके इसे तोड़ कर रख लेंगे। तो चलिए बुहार भाजी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 3 प्याज और 6 टमाटर, क्योंकि हमें इसे खट्टे में बनाना है तो टमाटर भी थोड़ा खट्टा करेगा, इसीलिए हमने टमाटर ज़्यादा लिया है। और स्पेशली खट्टे के लिए हमने लिया है इमली। इमली को हमने पहले से नहीं भिगाया है, बस उसे पानी से धो लिए हैं और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है बनाने से पहले। फिर इसे हम ऐड करेंगे, जैसे इमली है वैसे ही, इसका रस नहीं निकालना है। अब हमने कढ़ाई में डाल दिया है प्याज, इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो चली जाए, दैट्स इट। हमने अभी ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, बाद में हम इसे बघार के समय डालेंगे। पहले के लोग तो लाल भाजी और चौलाई भाजी को भी ऐसे ही बनाते थे, पहले उसे टमाटर और नमक के साथ पकाया जाता था, उसके बाद बघार लगाया जाता था सूखी मिर्च और लहसुन के साथ। अब हम इसमें डाल देंगे बुहार भाजी को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें इमली को डालने की, हम इसे ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे नमक और हल्दी। अब इसके बाद इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस इसे बहुत अच्छे से पकने देना है और ये अपने ही पानी से पक जाता है। इस सब्जी को पकाने के लिए हमने आंच मीडियम टू लो ही रखा है, आंच ज़्यादा नहीं करना है और बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, और ये सॉफ्ट हो जाए तो ये पक चुकी है। तो ये देखिए हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, टमाटर प्याज भी अच्छे से पक चुके हैं, इमली भी घुल चुकी है इसमें। अब हमें क्या करना है कि इसे हल्का सा टेस्ट करके देखना है, अगर आपके दांतों में चट चट सा ऐसा फील होता है, कुछ कसैला सा, तो इसका मतलब है इसमें और खट्टा या और इमली डालने की ज़रूरत है। आपने जो भी खट्टा इस्तेमाल किया है वो और डालने की ज़रूरत है, जैसे आपने दही इस्तेमाल किया है तो और दही डालने की ज़रूरत है। जो 250 ग्राम वाली दही आती है वो काफ़ी होगी अगर आप दही का। अब बारी है सब्जी को बघार लगाने के लिए, तो अब हम इसमें डाल देंगे कुटे हुए लहसुन और सूखी लाल मिर्च।
बघार लगाते समय इस भाजी को ढकना बहुत ज़रूरी है ताकि इसकी बघार अंदर तक रहे और भाजियों के अंदर अच्छे से मिल जाए। अब हम इसमें पकी हुई भाजी को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से और हम गैस बंद कर लेते हैं। सब्जी को हमने बाहर निकाल लिया है। कई जगह में बुहार भाजी का खुला भी किया जाता है, इसे हमने अभी अभी सुना है तो हमने भी ट्राई किया है। इसे हमने धूप में रख दिया है, उसके बाद हम इसे पॉलीथीन में अच्छे से बंद करके रख देंगे और इसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ गर्मी के सीज़न में मिलता है तो हम इसे सालों साल यूज़ कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है वो बहुत ही डिलीशियस लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।